तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, यूएस ने हुआवी कंपनी के ऊपर बैन लगा दिया, यूएस के अंदर और यूके के भी अंदर। और यहाँ पे क्या हुआ है कि चाइना के अंदर आईफोन बैन हो गया। तो मतलब ये जो दोनों के अंदर जो चल रहा है, इससे दोनों कंट्री का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहाँ से आईफोन नहीं आ पा रहा है और यहाँ से हुआवी का जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे यूएस में चल रहा था वो नहीं चल पाएगा। और ज़्यादातर जो कंपनियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी, जैसे गूगल हुआ, क्वालकॉम हुआ, इंटेल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, सारे जो कंपनियाँ बड़ी बड़ी वो यूएस के अंदर ही हैं। तो इससे क्या होगा कि चाइनीज हुआवी कंपनी को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि क्या जो यूजर हैं, जो हम कस्टमर लोग हैं, इन्हें भी ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ अफरोज रब्बानी, आप देख रहे हैं टेक्निकल रब्बानी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो कुछ एलिगेंस को हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बता दें, यूएस गवर्नमेंट ने हुआवी के ऊपर ये एलिगेंस लगाया कि हुआवी जो है चाइनीज गवर्नमेंट को डेटा शेयर करती है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। मतलब ये बेबुनियाद है और ऐसा एलिगेंस लगाया गया। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो अगर ऐसा कुछ होता है कि जो टाइप है वो सब टूट गए हैं गूगल से या माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, जो सारी चीज़ें प्रोडक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो यूएस के अंदर ही हैं, अगर ऐसा होता है तो हुआवे जो है वो दिक्कत में आ सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि हुआवे जो है हर चीज़ बनाता है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ओएस, तमाम सारी चीज़ें बना लेता है, तो उसे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो हम जो यूजर हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जो नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट तो हमें हमारे फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा हुआवे या हॉनर के। तो इससे क्या होगा, यूजर को दिक्कत होगी, क्योंकि ज़्यादातर गूगल जो है हमें ज़्यादा हेल्प करता है फ़ोन को एंड्रॉयड बनाने में। तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि हाँ एंड्रॉयड वो यूज नहीं कर पाएंगे, एंड्रॉयड तो ओपन सोर्स है, वो कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन जो एंड्रॉयड के अंदर अगर गूगल ना हो तो वो किस बात का एंड्रॉयड, उससे एंड्रॉयड हुआ ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमें जीमेल नहीं मिलेगा, प्ले स्टोर नहीं मिलेगा, गूगल का कोई भी प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि फेसबुक भी नहीं मिलेगा, स्नैपचैट पता नहीं क्या क्या है वो हमारे फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा अगर कुछ ऐसा होता है तो। वहीं पर अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक भी तो डेटा शेयर करता है, उसे क्यों नहीं बैन करती है गवर्नमेंट यूएस की? वहाँ पे तो सबको पता है कि हाँ ये डेटा शेयर करती है, डेटा बेच के पैसे कमा रही है, तो वहाँ पे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर की कंपनी कुछ कर रही है और आप पता भी नहीं कर पा रहे हो कि हाँ इन्होंने डेटा शेयर किया है, फिर भी आपको मिर्ची लग रही है। तो चलो ये बात छोड़ देते हैं, दूसरी बात पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं हुआवी या हॉनर कस्टमर की, जो हम यूजर हैं उन्हें क्या दिक्कत होगा। सबसे पहली बात कि हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड का जो अपडेट मिलता है जो गूगल के द्वारा आता है, क्योंकि हमारे फ़ोन में ज़्यादातर ओएस गूगल का ही होता है, तो वो हमें अपडेट नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी हमारे फ़ोन में ज़्यादातर एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिल चुका है, लेकिन एंड्रॉयड 10 जो आने वाला है वो हमें नहीं मिलेगा हमारे फ़ोन के अंदर। दूसरी बात, जो हॉनर यूजर हैं, यहाँ पे क्या हुआ है कि 90 दिन का टाइम दिया गया है हुआवी को कि 90 दिन तक हमें सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा, उसके बाद जो सिक्योरिटी पैच का भी अपडेट बंद हो जाएगा, यानी जो जैसा फ़ोन है उसी तरह से यूज कर सकते हो। आपको वहाँ पे ना तो सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा, ना कोई और भी अपडेट मिलेगा, मतलब जो भी कंपनी का अपडेट होगा हुआवी का वो आपको मिलेगा, लेकिन गूगल का जो अपडेट होगा वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। या तो आप हुआवी के यूजर हो तो उन्हें भी ये दिक्कत हो सकती है या होगी, एक सीधी सी बात बोल सकते हैं। तो और बात करते हैं आने वाले फ़ोन में, तो आने वाले फ़ोन में अगर ये सब टाइप टूट जाता है और ये सब शॉर्ट आउट नहीं होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी हुआवी को, क्योंकि जो उनके नए फ़ोन आएंगे उनका खुद का ओएस होगा, खुद का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि जो हाई सिलिकॉन क्रीम जो होता है उनका चिप सेट वो भी हुआवी कंपनी नहीं बनाती है, वो बाहर की कंट्री बनाती है। तो अगर उन्होंने भी चिपसेट देना बंद कर दिया तो बहुत ही मुश्किल में आ जाएगी हुआवी कंपनी और बहुत ही ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर हुआवे अपना सारा चीज़ देता है तो क्या वो फ़ोन चल पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो एंड्रॉयड जो है गूगल का ही पसंद करते हैं और उसी को बोलते हैं प्रॉपर एंड्रॉयड फ़ोन। तो जब उसमें गूगल का प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो वो तो एंड्रॉयड जो है एक डब्बे की तरह लगेगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मेट एक्स आने वाला था फोल्डेबल हुआवे का, वो तो धरा का धरा ही रह जाएगा। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकल गया था, मुझे तो बहुत ही अच्छा फ़ोन लगा था, यहाँ पे कुछ अनबॉक्सिंग ये देखी थी। तो दिक्कत तो है, दोनों कंट्री को दिक्कत है, यहाँ पे आईफोन बैन हो जाएगा, वहाँ पे हुआवे का बैन हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई तो। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि लगभग एक दो महीने, तीन महीने में
चाहे जितने भी दिन लगे ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे का ही नुकसान है। क्योंकि गूगल अगर नहीं देगा कुछ भी तो उसे भी तो नुकसान है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को अगर वो सारे टायर तोड़ देता है तो उसे भी तो पैसे जाने बंद हो जाएंगे। तो दिक्कत तो है सारी चीज़ें में, लेकिन सॉर्ट आउट होने के चांसेस मुझे लगता है ज़्यादा है, और आगे चल के ऐसा कुछ दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट करके बता दीजिए। नए गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय।